चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज और आज की खबरें चालू करते हैं रियलमी के साथ। जी हाँ, रियलमी का सबसे पहले बोल दूं दोस्तों, रियलमी 7 का सेल था और माधव शेठ जी ने यहाँ ट्विटर पर डाल दिया कि 250,000, सोचिए 250,000 पहले सेल में ही उन्होंने बेचे रियलमी 7। वैसे रियलमी 7 अच्छा डिवाइस है, बट दीज नंबर्स आर बिग, सीरियसली। वैसे दोस्तों आज दिन भर ट्विटर पे टीज भी कर रहे थे सुपर डार्ट चार्ज के बारे में, एंड दिस इज ऑब्वियसली अबाउट नार्जो 20 सीरीज, नार्जो 20 प्रो जो होने वाला है उसके अंदर। एंड पोल भी डाला था उन्होंने, 30 वॉट चाहिए, 50 वॉट चाहिए, 125 वॉट चाहिए, 65 वॉट चाहिए। मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर आप मुझे गेस करने को कहते हो, तो आई थिंक द नार्जो 20 प्रो विल हैव अ 65 वॉट फास्ट चार्जिंग। दैट विल बी क्रेजी, सीरियसली। लेकिन दोस्तों गेस करने की जरूरत नहीं, वैसे सभी आज लीक हो गया। आई एम सरप्राइज कैसे हो जाता है, मतलब 21 तारीख को लॉन्च है एंड सब कुछ, तीनों भी नार्जो 20, 20 ए एंड 20, इनके सबके डिटेल स्पेसिफिकेशन सब लीक हो गए। नाउ टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, लेकिन 20 ए में नहीं, 20 प्रो में दोस्तों आ रहा है P95 किधर से हो, G95 प्रोसेसर, एंड उसमें फुल HD 6.5 इंच की स्क्रीन होने वाली है और कहा जा रहा है 65 वॉट है, अब आने के बाद देखेंगे। और नार्जो 20 दोस्तों होने वाला है G85 प्रोसेसर के ऊपर, एंड 20A जो होगा वो होने वाला है 665 प्रोसेसर के ऊपर। एंड इंटरेस्टिंग है, उनमें 65 वॉट वाला फास्ट चार्जिंग नहीं होगा, बट 6.5 इंच की HD प्लस स्क्रीन दोनों में ही आने वाली है, 20 एंड 20A में। प्रो में FHD है, ठीक है, अब आने दीजिए, देखेंगे। ये भी दोस्तों मेरे हिसाब से 10 से 15,000 के प्राइस रेंज में ही होने वाले हैं। माय गुडनेस, मतलब सीरियसली 7,000 या 8,000 से लेके 15,000 इस प्राइस रेंज में 80% फोन्स लॉन्च कर रहे हैं ये लोग, रेडमी एंड रियलमी। यस, एंड जस्ट टू एड टू द कंफ्यूजन दोस्तों, इंडोनेशिया में रियलमी 7i लॉन्च हो गया है, जो 662 प्रोसेसर पे है, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज है एंड HD प्लस स्क्रीन है, और प्राइस देखोगे तो कुछ 15-16 हज़ार के करीब है। Everything is very confusing to me, seriously. एक चीज लेकिन बिल्कुल मत कंफ्यूज कीजिएगा दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। और दोस्तों आज का जो वीडियो है, अगर आप TWS में इंटरेस्टेड हो जरूर जाके देखिएगा। Yes, best TWS earphones under 5,000 मैंने वीडियो किया हुआ है, गो एंड वॉच इट, मेक श्योर यू वॉच इट। दोस्तों एप्पल का A14 बायोनिक, जी हाँ A14 बायोनिक, बहुत बड़े एक्सपेक्टेशंस हैं इसके साथ। दिस इज अ 5nm बेस्ड प्रोसेसर, और पहले ऐसे रूमर्स थे कि 40%, एप्पल ने खुद ने कहा कि 40% से उसका परफॉर्मेंस बढ़ गया है, लेकिन एक्चुअली अंततः स्कोर्स आ गए हैं दोस्तों, 865 प्लस के भी स्कोर्स को नहीं बीट कर रहा है। यस, 5,72,000 के करीब है, वेरेज अगर 865 प्लस के स्कोर्स देखोगे अंततः तो 6,00,000 के करीब होते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, अभी जब आएगा, ये आईफोन 12 प्रो मैक्स का स्कोर है दोस्तों जो मैं बात कर रहा हूँ, लीक हुआ है, देखते हैं आने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा, इट्स नॉट वेरी फार, 2-3 हफ्तों में एवरीथिंग। और हाँ दोस्तों, गेमर्स के लिए, कंसोल गेमिंग के लिए सोनी ने PS5 एंड PS5 उनका डिजिटल एडिशन, ये दोनों भी लॉन्च कर दिए, इसकी प्राइस भी आ गए हैं $499, मतलब $500 एंड $400। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि इंडिया की उसकी अवेलेबिलिटी डेट आ गई है, November 19th को मिलने वाला है, पहले November 12th को कुछ 4-5 कंट्रीज में, US, जापान, UK, इन कंट्रीज में मिलेगा, उसके बाद में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड November 19th को आने वाला है। So yes, it is finally coming. Quick reminder दोस्तों, tech news अच्छी लगती है, अगर अच्छी लगती है like करना मत भूलिए, अच्छी नहीं लगती है पूरी tech news देखिए, no problem, लेकिन comment जरूर कीजिएगा 1 घंटे के अंदर, you know what happens. चलिए दोस्तों बात करते हैं Xiaomi की। Xiaomi ने आज उनका वॉच जो है मी वॉच रिवॉल्व, ये टीज कर दिया है, डेट नहीं दी है, लेकिन मी बैंड 5 के साथ ही लॉन्च होने वाला है, और कल मैंने आपको बताया था कि मी बैंड 5 जो है ये लॉन्च होने वाला है September 29th को। सो मी वॉच इज ऑल्सो फाइनली कमिंग, राउंड डायल है, टीज किया है, इट इज कमिंग, और ये 10,000 के नीचे होने वाला है कहा जा रहा है। दोस्तों वन प्लस की तरफ से बहुत बड़ी खबर आ रही है, वन प्लस नॉर्ड N10 5G, N10 10, जी हाँ ये जो फोन है ये 5G फोन होने वाला है, ये बहुत ही जल्दी इसी साल लॉन्च होगा ऐसे कहा जा रहा है, इमीडिएटली 8T लॉन्च होगा, उसके बाद में ये फोन लॉन्च होगा, 690 Qualcomm Snapdragon 690 इस प्रोसेसर पे होगा, जो एक 5G प्रोसेसर है, एंड इंटरेस्टिंग है दोस्तों, देखेंगे आने के बाद, बट दिस इज गोइंग टू बी अंडर 25,000 to 30,000 इस रेंज में आने वाला है। अब पहले US में आएगा, उसके बाद में इंडिया में आएगा, या पहले इंडिया में आएगा बाद में US में आएगा, दैट आई एम नॉट।
और हाँ दोस्तों, OnePlus 70 Pro पिछले साल का सेकेंड हाफ का फ्लैगशिप जो है, इसकी प्राइस 4000 से क्लियरली घट गई है जी. आप OnePlus पे, OnePlus के वेबसाइट पे जाइए, Amazon पे जाइए, अभी आपको कम दाम में मिलेगा. 2K स्क्रीन वगैरह, पॉपअप कैमरा, 855 प्लस प्रोसेसर है. आई थिंक इट इज़ अ गुड वैल्यू फॉर मनी इवन नाउ. और दोस्तों, प्राइस घटने की बात कर रहे हैं तो और एक फोन जो अभी अभी लॉन्च हुआ है सैमसंग की तरफ से, नोट 20, इसकी प्राइस भी घट गई है. घट गई है एक हफ्ते के लिए, 9000 से घटा दिए, 78,000 कुछ प्राइस है उसकी, वो 69,000 पे आ गई है. यस, दिस इज ओनली फॉर अ वीक. प्लस 6000 का HDFC का आपको कैशबैक भी मिल रहा है, मतलब टोटल 15,000 रुपीज के आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोट 20, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जरूर जाके देखिए. वैसे दोस्तों, आपको बताना भूल गया, OnePlus 80 के लॉन्च इवेंट में ही ऐसे कहा जा रहा है कि OnePlus Buds Z ये आने वाला है. ये पहले भी बताया था मैंने, लेकिन अब बहुत सारी जगह से रूमर्स वगैरह आ रहे हैं कि इट इज गोइंग टू बी अ चीपर वर्जन ऑफ OnePlus Buds. जी हाँ, थोड़े से एक दो फीचर्स कम हो जाएंगे, बट प्राइस आ जाएगी उसकी मेरे हिसाब से तो 3-4 हज़ार की रेंज में, या उससे भी कम. आने के बाद देखेंगे दोस्तों, बट OnePlus Buds Z अलॉन्ग विथ OnePlus 8. तो एक क्विक चीज बोल दूं, ओप्पो F17 Pro का जो गिव अवे था उसके आज हमने लाइव अनाउंसमेंट कर दिए हैं. जी हाँ, हमारे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर हैंडल पे जरूर जाके देखिएगा. इफ यू आर अ विनर, गो एंड वॉच. वैसे दोस्तों, एक जॉब लिस्टिंग है एक्टिविजन की तरफ से. जी हाँ, COD के जो मेकर्स हैं उनकी तरफ से, जहां से पता चल रहा है कि COD वॉरजोन, कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन, ये जो है ये मोबाइल पे आ रहा है. यस, अभी आप वॉरजोन जो वर्जन है वो PCs पे खेल पाओगे, कंसोल पे खेल पाओगे, बट इट इज कमिंग ऑन मोबाइल वेरी वेरी सून. दोस्तों, आपको याद है सबसे पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन किसने लॉन्च किया था? जी नहीं, सैमसंग नहीं, हुआ भी नहीं, इट वॉज रॉयल. जी हाँ, ये उन्होंने FlexPai लॉन्च किया था सबसे पहले, और अब FlexPai 2 आ रहा है सितंबर 22nd को, 4-5 दिनों में आ जाएगा. वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत सारे अपडेट्स वगैरह आए हुए हैं, अब आने के बाद ऑब्वियसली आपको सब कुछ बताएंगे. चलिए दोस्तों, टेक न्यूज होती है खत्म इधर ही. यस, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा, बहुत सारे लिंक्स एंड ऑफर्स डील्स वगैरह डाले हुए हैं, सो यू कैन सेव सम मनी. अब वक्त होता है ट्रैकिंग टेक ट्रेजर का. जी कुछ दिखा आज की टेक न्यूज में, इधर उधर आजू बाजू आगे पीछे अगर दिखा तो जाइए कमेंट सेक्शन में, #TDDH डालिए, टाइम स्टैम्प डालिए, स्पेसिफिकली हमें बताइए आपने क्या देखा, क्योंकि अगर आप सही हो आप जीत पाओगे पेटीएम का गिफ्ट वाउचर. और कल के हमारे पेटीएम गिफ्ट वाउचर के विनर हैं अमोल साळुंखे, कांग्रेचुलेशन अमोल जी. भेजिए आपका पेटीएम का मोबाइल नंबर, हम भेज देंगे आपको आपका पेटीएम गिफ्ट वाउचर. लेकिन अगर आपको TDDH जीतना है तो टाइम स्टैम्प के साथ में आपको न्यूज कौन सी अच्छी लगी, फेवरेट आपकी न्यूज कौन सी है, वो आपको मुझे बताना है. यस, दोज विल बी द विनर्स. अब वक्त होता है इस टेक न्यूज के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट का, आपका नाम लेने का, हमारे सुपरस्टार्स का नाम लेने का. कल के हमारे 3 सुपरस्टार फीचर कमेंटर्स हैं, माइक अल्फा, मोनिश कुंभारे, सचिन रॉय. Congratulations, lovely, lovely, lovely comments. दोस्तों, ऐसे ही रोज कमेंट करते रहिए, ऐसे ही रोज मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहूंगा, ऐसे ही आपका नाम लेता रहूंगा. चलिए दोस्तों, आज की हमारी ट्रैकिंग टेक न्यूज एपिसोड नंबर 833 खत्म होती है इधर ही. इफ यू लाइक इट, डू इट राइट नाउ. भूल गए होंगे तो रिमाइंड कर रहा हूँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं हो कर दिए, शेयरिंग करना आपके हाथ में, रिमाइंड करना मेरे हाथ में. दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.